कहूँ कि हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहा है, यानी बैक चैनल्स पे हुआ, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है आपके पास, टाइम अब ज्यादा नहीं है। हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे। एक दफा जब हम मार्च अनाउंस कर दें और इस वक्त पब्लिक सड़कों पे ऊपर आ जाएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं कर सकता कि इसका फिर क्या नतीजा है। इस वक्त मुजाकिरात हो भी रहे हैं और नहीं भी, बैकडोर मुजाकिरात हुए लेकिन चीजें क्लियर नहीं हुई। इमरान खान का एतराफ, हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए आखिरी मोहलत भी दे दी, कहा आजादी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, अगर एक बार आवाम सड़कों पर निकल आए तो इस बात की कोई जमानत नहीं कि क्या नतीजा निकलेगा। कराची के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली का भी इल्जाम, एनए 237 में दोबारा इलेक्शन का मुतालिबा, आजम स्वाति पर तशद्दुद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी ऐलान। अब अगर आपने ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीते हैं तो इससे हरगिज हरगिज ये मुराद नहीं है कि आपको किसी गैर आइनी या गैर कानूनी जो है वो अमल का जो है वो लाइसेंस मिल गया। और अगर आपने डोंग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ज़िमनी इलेक्शन जीतने से जत्था कल्चर अपनाने का लाइसेंस नहीं मिल गया, मुंह तोड़ जवाब देंगे, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, इब्तदा आपने और उसका अंजाम हमने करना है। वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह की तंबीह, कहा इलेक्शन हासिल करने हैं तो टेबल पर आए, पार्लियामेंट आए, आवाम की तवक्कोआत पर पूरा ना उतरने का भी एतराफ, बोले अगर सैलाब का मसला ना होता तो लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के करीब होते, अगले इलेक्शन में लीगी क्यादत नवाज शरीफ करेंगे। डीजी एंटी करप्शन ने नौकरी बचाने के लिए झूठा केस बनाया। सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि यही रेफरेंडम मुल्तान में भी आया, यही रेफरेंडम कराची में भी आया जो इनकी अपनी सीट्स थी, और ये 6 सीटों से ज़िमनी इलेक्शन की इलेक्शन से पार्लियामान के अंदर 8 नशिस्तें इमरान खान साहब की कम हुई हैं। कानून के अंदर तरीक़ाकार, मुद्दत और जिस वक्त प्रोसेस स्टार्ट होना है वो तमाम चीज़ें दर्ज हैं, उसके मुताबिक सारा कुछ होगा और ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। कराची और मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम है। इमरान खान एक आर्मी चीफ की तकर्री के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। कानून और आइन के तहत आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ का हक है। इमरान खान को तैनाती का इतना शौक है तो वो पार्लियामान में 172 नंबर पूरे करें, आइनी तरीके से अपनी हुकूमत लाए। वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात कब होने हैं फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी, कानून हाथ में लेने वालों से आईन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा, आर्मी चीफ की तैनाती पर भी फैसला मुसलत करने की इजाजत नहीं देंगे, मुश्तरक ऐलामिया जारी। मुल्तान वालों ने सियासी खाना बदोश से हिसाब बराबर कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मुल्तान और मलीर में जीत जियालों के नाम कर दी, कहा जुनूबी पंजाब सूबा बंद कर रहेगा, ये उनका वादा है और बिलावल भुट्टो का मंशूर है। खान साहब लॉन्ग मार्च की बर्दाश्त में अगर मार्शाला लग गया तो ये तैयारियां भी सुनने में आ रही है, क्या कहेंगे? अगर लॉन्ग मार्च से मार्शल लॉ लग गया तो क्या होगा, सहाफी का इमरान खान से सवाल। मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च के वक्त तो मार्शल लॉ नहीं लगा था, चेयरमैन पीटीआई का जवाब। साबिक वजीर आजम का असेंबली जाने के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। कौमी असेंबली के 8 हलकों पर ज़िमनी मार्का, तहरीक इंसाफ ने 6 पर मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक इमरान खान ने 6 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी की मलीर कराची और मुल्तान में कामयाबी, पंजाब असेंबली की 2 नशिस्तों पर भी पीटीआई फाते, मुस्लिम लीग नून 1 नशिस्त जीत सकी।
ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की बदतरीन शिकस्त पर पार्टी कायद नवाज शरीफ शदीद बरहम, आला क़यादत से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक शिकस्त की वजूहात जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को टेलीफोन, मुल्तान में साहबजादे की जीत पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के अली मूसा गिलानी से भी फोन पर गुफ्तगू, उनकी जीत को पीडीएम की जीत करार दे दिया। जहां जीते हक की फतह, जहां हारे धांधली का नारा, वाह इमरान खान। वजीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन का चेयरमैन पीटीआई के इल्जाम पर तबसरा, कहा इमरान खान को मलिर में दोबारा इंतखाबात का शौक है तो पूरा कर लें, ज्यादा भारी मार्जिन से हराएंगे। बगैर सबूत राणा सना को नंबर वन इश्तिहारी बना दिया, मुकदमे के गलत इंदराज पर क्यों ना आपको जेल भेज दें। लाहौर हाईकोर्ट एंटी करप्शन पंजाब पर बरहम, एडिशनल डीजी एंटी करप्शन से इस्तफसार किया कि आपको राणा सनाउल्ला के खिलाफ मुकदमे के सबूत पेश करने हैं, सबूत कहाँ है, राणा सनाउल्ला ने रिश्वत किस से ली है, साबित करें। डीजी एंटी करप्शन पंजाब का रिकॉर्ड समेत मुकम्मल तैयारी करके आने का हुक्म। ममनुआ फंडिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की उबूरी जमानत मंजूर कर ली, 1,00,000 रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का भी हुक्म। चेयरमैन पीटीआई खुद अदालत में भी पेश हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई, लॉन्ग मार्च से कबल बड़ा हुक्म, पुलिस को शहरियों को गैर जरूरी हिरासा करने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमाओं से मुतालिक बनाई फहरिस्त पर भी सवाल उठा दिए, पुलिस रिश्तों से मुतालिक आइंदा समात पर मुतमईन करे, चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की अदालत ने मुतनाज़ ट्वीट केस में तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर पीटीआई सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में धरना, नारेबाजी। लाल हवेली समेत 7 मुख्तलिफ यूनिट्स पर शेख रशीद और उनके भाई का कब्जा गैर कानूनी करार, महकमे औकाफ ने लाल हवेली मतरूका वक्त इमलाक से मुतालिक केस का महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद ने लाल हवेली खाली करने का हुक्म सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में खड़ा पानी बड़ा चैलेंज है, इस पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने का खदशा है, मामले के हल के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाए। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाके सोहबतपुर के दौरे पर गुफ्तगू, 2 माह में स्कूल बनाकर देने का भी ऐलान। आर्मी चीफ से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात, बामी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, नॉर्वे के सफीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। कराची के बल्दियाती इलेक्शन पर फिर इल्तवा की तलवार लटकने लगी, बल्दियाती इंतखाबात के लिए 16,000 अहलकारों की कमी का सामना, सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के इजलास में मौकिफ। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से सिक्योरिटी की जमानत मांग ली, कल फिर बैठक बुला ली। पीटीआई रहनुमा असद उमर का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला, कहा वोटिंग लिस्टों के अशात के बाद भी शेड्यूल जारी नहीं हो रहा, सितंबर में इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात शेड्यूल जारी होना था, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताखीर की जा रही है। निश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर लाशें रखने की इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश, परवेज इलाही की हिदायत के जिम्मेदार 3 डॉक्टर्स, 3 मुलाजमीन और मुतालिका थानों के 2 SHOs मुअत्तल, कार्रवाई का भी हुक्म। कराची आर्टरी थाने के माल खाने से 2,07,75,000 रुपए की चोरी का मामला, पुलिस ने 1,82,00,000 रुपए बरामद कर लिए। डीआईजी साउथ शर्जील खरल कहते हैं मामले की तहकीकात जारी है।
लाहौर के इलाके डिफेंस में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से डॉल्फिन फोर्स का एहलकार शहीद। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का एहलकार की शहादत का नोटिस, आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। पेट्रोल कम हुआ है, दूध की कीमत फिर 20 रुपए बढ़ गई है, फ्रूट तो बस पूछ सकते हैं ले नहीं सकते। कराची में दूध फरोश माफिया बेलगाम, एक बार फिर कीमतों में 20 रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर दूध 180 से बढ़कर 200 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। दूध के सरकारी निर्ख 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। साबिक गवर्नर सिंह, सामाजिक कारकुन और सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद की 24वीं बरसी, इंसानियत का दर्द रखने वाली शख्सियत को 1998 में अमन दुश्मनों ने शहीद कर दिया था।